दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गरजा ईशान किशन का बल्ला, दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। ईशान ने टी20 इंटरनेशनल में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया है। 37 गेंद में ईशान ने चौड़ा अर्धशतक। ईशान 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस पारी के दौरान 11 चौके और 3 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली 23 रन की पारी। ईशान किशन के साथ गायकवाड़ ने 57 रन की साझेदारी निभाई। गायकवाड़ ने 15 गेंद खेलते हुए 3 छक्के लगाए और एक भी चौका उन्होंने नहीं जड़ा। भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एडन माकम को कोविड हो गया। आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। क्रिस्टन स्टब्स ने माकम की जगह ली है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। इन तस्वीरों में धोनी जिम में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं। साथ ही धोनी ने नेट सेशन में भी हिस्सा लिया। धोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले बीसीसीआई कर सकती है कोच और खिलाड़ियों के लिए खास इंतजाम। कोच राहुल द्रविड़ और ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर स्पेशल फ्लाइट से जा सकते हैं इंग्लैंड। रणजी में सेमीफाइनल का लाइनअप हुआ था। मुंबई के सामने उत्तर प्रदेश की होगी चुनौती, तो वहीं बंगाल का सामना मध्य प्रदेश के खिलाफ होगा। 14 जून को पहली जबकि 18 जून को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग अब बतौर कोच अपनी भूमिका निभाने के लिए बिग बैश लीग में पहुंच चुके हैं। उन्होंने बिग बैश लीग की टीम होबार्ट हरिकेन्स के साथ 3 साल का करार किया है। पॉन्टिंग अब इस टीम के लिए जीत की प्लानिंग बनाते नजर आएंगे। पॉन्टिंग इस टीम के साथ हेड ऑफ स्ट्रेटेजी के तौर पर जुड़े हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच नॉटिंघम के मैदान पर आज खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत लिया था। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड की वापसी पर नजर रहेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे और पहले मैच में शाई हो पर बाबर आजम ने शतक लगाया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर आराम लेंगे। ये सीरीज 16 जून से शुरू होगी। केमार रोच भी इस टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से परेशान है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। Play.